मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के दादरा टोला गांव की महिलाएं हर सुबह कुएं से पानी लाने के लिए सिर पर बर्तन रखकर उबड़ खाबड़ रास्ते पर निकलती हैं। ये इलाका शाहपुरा विधानसभा सीट का हिस्सा है। जनजातीय गांव वालों का कहना है कि आजादी के 77 साल बाद भी वहां पीने का साफ पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। न रोड आए, न पानी की व्यवस्था आए, बाल बच्चा छोटे छोटे बाल गोपाल हैं तो जंगल 3-4 किलोमीटर जाती तो छोटे छोटे बाल गोपाल जा नहीं पा मैं। चौमास महीना पानी गिरा थी, न हमें पानी मिले, न हमें रोड मिले, ना जचकी वाले को हम झोली बना के ले जाते हैं अस्पताल। बारिश के मौसम में कुएं का पानी गंदा हो जाता है, इस वजह से गांव वाले अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। सड़क नहीं होने की वजह से डॉक्टर यहां आने से इनकार कर देते हैं, लिहाजा गांव वालों को मरीजों को चारपाई पर लादकर ग्राम पंचायत के दफ्तर तक ले जाना पड़ता है, वहां वे एम्बुलेंस बुला सकते हैं। बारिश का क्या है सर, नाला है छोटा सा, उस गैलरी में कुएं टाइप में बना, उसमें क्या है बाहर से पानी बह के उसमें घुसता है, उसी को पीते हैं, क्या करें सर, मजबूरी है। बीमार भी होते हैं उससे, तो काफ़ी परेशान होते हैं, सर्दी जुकाम उसी के चलते, फिर डॉक्टर को बुलाओ तो डॉक्टर बोलेगा भाई आपके रोड यहाँ नहीं है, मैं कैसे आऊँ, आप उनको लेके आओ, बीमार हो गए तो इधर से लेके जाना पड़ेगा। दादरा टोला में लगभग 250 की आबादी है और सड़क न होने की वजह से हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई बीमार पड़ गया, उनको हम खाटिया मचिया पे डोली बना के ग्राम मगर टगर तक ले जाते हैं, इसके बाद हमको वहां से एम्बुलेंस का सुविधा मिलता है, तब हम जाके अस्पताल तक पहुंचते हैं। जिला कलेक्टर का कहना है कि सिर्फ कुछ ही परिवारों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जांच पड़ताल के बाद जरूरी कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। मैंने इसको वेरीफाई कराया है, तो अभी हमारे पास सूचना ये है कि वहाँ 15-20 परिवार हैं जो मुख्य ग्राम से अलग रह रहे हैं, और जबकि आपने जो तथ्य बताए वो अलग हैं, तो हम लोग आज एक टीम भेज रहे हैं, मैंने इसमें फॉरेस्ट की टीम को भी बोला है, अगर मतलब वहाँ पर पर्याप्त संख्या में लोग हैं तो उनका राइट बनता है, तो पहले हम लोग पहले आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था और साथ में जो वहाँ का रास्ता है उसके लिए प्रयास करेंगे। मैंने DFO से भी अनुरोध किया है कि उस मामले को प्रायोरिटी पर दिखवा लें, और मुझे लगता है कि हम लोग अगले 2-3 महीने में कुछ ना कुछ स्थिति वहाँ पर ठीक कर पाएंगे। शाहपुरा के विधायक भी गांव के हालात खराब होने की बात मानते हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनावों में ये सीट BJP के ओम प्रकाश धरवे ने दूसरी बार जीती थी। सड़कें नहीं है तो वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मुझे मालूम है, मैं पिछले समय नहीं था, पुनः जीत के आ गया हूँ, अब ये काम मेरे भाग में ही लिखा है और निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि इस साल हम इसको करा लेंगे। दादरा टोला के बाशिंदों का कहना है कि वे हालात सुधारने के वादे कई बार कर चुके हैं, हालांकि जमीन पर कोई काम अभी तक होता दिखाई नहीं दिया है।